गाइस, आपने बहुत सारी कंट्रीज़ को और इवन हमारा इंडिया जो कि क्रिकेट को बहुत पसंद करता है, जैसे लगता है ये हमारा नेशनल गेम है, बट ये तो नहीं है। गाइस, आपने बहुत सारी कंट्रीज़ को क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, एशिया की कंट्रीज़ तो खासकर। बट गाइस, एशिया की एक ऐसी कंट्री जो कि क्रिकेट कभी नहीं खेलती, जो है चाइना। आपके दिमाग में क्या ये कभी क्वेश्चन अराइज हुआ है कि आखिर चाइना क्रिकेट क्यों नहीं खेलती? चाइना का क्रिकेट ना खेलने की दो वजह है। पहली तो ये, चाइना के जो लोग हैं वो ये विश्वास रखते हैं कि जो ओलंपिक्स का जो गेम है वो उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, उसके लिए वो हार्ड वर्क करते हैं, जिसके कारण उन्हें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल इन सब में बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स मिल चुके हैं, अच्छी पोजीशन मिल चुकी है। और यही वजह है कि चाइना क्रिकेट क्यों नहीं खेलता, क्योंकि क्रिकेट की जो पोजीशन है वो ओलंपिक्स में नहीं है और ना ही शायद होगी भी। सो दैट्स वाई चाइना ना ही उस पर ज़्यादा ध्यान देता है और ना ही हार्ड वर्क करता है। सो दैट्स वाई चाइनीज लोग क्रिकेट नहीं खेलते। दूसरी वजह ये है कि जो चाइना है वो कभी भी ब्रिटिश के अंडर में नहीं रहा। बाकी जिस कंट्री में भी क्रिकेट खेला जाता है वो ज़्यादातर ब्रिटिश के अंडर में थी, जैसे इंडिया जो कि ब्रिटिश के अंडर में बहुत सालों तक थी, वहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट का जो ऑर्गेनाइज हुआ वो इंग्लैंड से हुआ और ब्रिटिश लोग इसे अपने मनोरंजन के खेल के लिए खेला करते थे। सो दैट्स वाई चाइना में इसलिए क्रिकेट नहीं खेला जाता, क्योंकि ना वहाँ पर ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी और ना ही वहाँ पर इसका कोई मान था। कैसा लगा ये सब कुछ जान के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।